हाँ भाई भंसार कराना कराएंगे। हाँ तो अभी 8 बजे चालू होगा, अभी नहीं चालू, 8 बजे चालू होगा। क्या 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 प्रोसेस? केदारनाथ जाने के बाद आप जब पशुपतिनाथ जाते हैं तभी आपका दर्शन पूरा माना जाता है। तो मतलब कितना कुछ सामान इंडिया से नेपाल जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन कस्टम्स और ये है इंडिया का गेट। Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Lakhnavi Vlogger. तो आज वो दिन आ गया है जब मैं निकल रहा हूँ अपनी नेक्स्ट ट्रिप के लिए, जो कि है पशुपतिनाथ धाम की। जैसे आपको पता था कि मैंने बोला भी था कि केदारनाथ जाने के बाद आप जब पशुपतिनाथ जाते हैं तभी आपका दर्शन पूरा माना जाता है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ पशुपतिनाथ और मेरी वॉच का बैंड टूट गया है, जिसकी वजह से वॉच नहीं है मेरे पास। टाइम एग्जैक्टली 12 बज के। जी तो बात आ गई फ्यूलिंग की, फ्यूलिंग करा लेते हैं और अभी टाइम की बात कर लें तो टाइम हो गया 12 बज के 23 मिनट। 14 घंटे दिखा रहा है, देखते हैं कितनी देर पहुँचते हैं। तो ये खड़ी अपनी गाड़ी, वो चेतन भैया, उधर का पाइप फट गया तो इधर ही पड़ेगी। कर दिए भैया, डीजल डालिएगा। तो आया है भाई 3400 रुपीज़ 37 लीटर। पहुंच गए हैं पहले टोल गेट पे। खुल जा सिम सिम। अरे ये रीड कर रही है। तो पहुंच गए हैं पता नहीं कहाँ, यहाँ से अयोध्या 72 गोरखपुर है 205। टाइम हो गया है 1 बज के 16 मिनट। हाँ जी भाई, टाइम हो गया है 2 बज के 30 मिनट और मैं अयोध्या के आगे आ गया हूँ। अयोध्या श्री राम जी की जन्मभूमि। इट्स टाइम फॉर टी। तो भाई टाइम हो गया है 3:30 और 1 घंटा यहीं बताया क्योंकि बॉर्डर खुलता है 7 से 8 के बीच और 150 किलोमीटर बाकी है। आपको भी पता है कि चलाएंगे कितना भी आराम चलाएंगे 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, इसलिए यहीं पे थोड़ा रेस्ट मारा, थोड़ा आराम किया, चिल किया, क्योंकि वहां पे जाके रुकना ही पड़ेगा 1-1.5 घंटा। तो यहीं पर चिल कर दिया। फिलहाल अब निकलने जा रहे हैं, फिर कहीं रुकना पड़ेगा रास्ते में, देखते हैं। फिलहाल यहाँ से बस्ती है 350-50 किलोमीटर 70 किलोमीटर के आसपास है बस्ती। निकल रहे हैं, हर हर महादेव। तो टाइम हो गया 6 बज के 5 मिनट। आप सोच रहे होंगे वॉच कहाँ से आ गई, चेतन बैग ने रख दी थी, मैंने पहन ली थोड़ी देर के लिए। और गुड मॉर्निंग, फिलहाल पहुँच गए हैं सनौली बॉर्डर। गोप्रो भाई गिरी मत, उठा ही लेते। फिलहाल सनौली बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर है, टाइम है 6। चेतन भैया चला रहे थे, मैं थोड़ा सा आराम कर रहा था पीछे थोड़ा सा आराम कर रहा था मैं। और हम लोग जब इतना आराम से आए हैं, हम लोग 80-90 से ऊपर नहीं है, 80-90 बस इससे ऊपर नहीं चलाई है। जितना पेट दिख रहा है, एवरेज बहुत तगड़ा लिया है। सही से खड़े हो, पेट दिख रहा है, वो ठीक है, पाँव भी कर लेते। तो यहाँ से मोस्ट प्रॉब्ली 1 घंटा लगेगा और सही है टाइम भाई, 7 बजे से पहले नहीं पहुँचना चाहिए बॉर्डर। पता नहीं, देखते पूछते हैं आप भैया, बॉर्डर कितने बजे खुल जाता है बॉर्डर? अभी हिसाब कर रहे हैं, अभी नहीं बोलेंगे। हाँ जी भैया,
टाइम हो गया 6:28 और अभी मैं चला रहा हूँ जितना इधर, और रोड ये वाली बढ़िया है, इससे पहले रोड सही नहीं थी, और रात में इतना कुछ दिखाने को नहीं होता है, फिर दिखाया नहीं इतना आपको कुछ। तो सनौली बॉर्डर से 15 किलोमीटर आएगा से पहले एक टोल पड़ता है जो कि 30-40 रुपए का है। हाँ जी, तो यहाँ से बस 5 किलोमीटर बाकी है, 4 किलोमीटर तो पेट्रोल डीजल डलवा रहे हैं। लॉक कर दो भैया। ओके, नेपाल में भैया पेट्रोल महंगा है, मतलब डीजल महंगा है यहाँ से कितना? 12-13 रुपए का फर्क है। यहाँ पे कौन नहीं खोलती, यहाँ पे 90 का है, 89 में था, 1 रुपए ज़्यादा है। वही नहीं है भैया, मतलब जस्ट टाइप ऑफ जस्ट दिमाग में एक थॉट आया था कि वहाँ पे देख लेते कितना पेट्रोल प्राइस है, क्योंकि अभी 60% है डीजल, लेकिन सोचे क्या किया जाए, तो फटाफट गूगल किया तो देखा भाई वहाँ पे 165 नेपाली रुपीज़ में है डीजल, और यहाँ पे 89 में था जहाँ रुके थे, तो डलवाई लेते हैं। ऐसा करते हैं, अगर कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ डलवाएंगे, नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो नहीं डलवाएंगे, फुल आगरा के चलते हैं भाई। तो भैया ही बता रहे कि कुछ नहीं, 15 रुपये महंगा है, मैंने भी हिसाब लगाए थे, कुछ नहीं 15 रुपये महंगा निकला था। तो ये लास्ट फ्यूल स्टेशन है सनौली बॉर्डर पे, 4 किलोमीटर पहले इंडियन ऑयल का 1515 रुपये का आया है। तो आप भी अगर नेपाल जा रहे हैं सनौली रूट से, कहीं से भी जा रहे हैं नेपाल अगर जा रहे हैं इंडिया से, तो फ्यूल इन करा के जाइएगा, टैंक फुल करा के, क्योंकि जितना बच जाए उतना ही अच्छा है, डलाना पड़ेगा वो अलग की बात है, निकलते हैं। तो अभी 1500 का तेल है, कितने लीटर आया था? 13 लीटर, 1500 कितने लीटर आया था? अभी 317 किलोमीटर चली है, 17 लीटर आया था, तो 317 किलोमीटर चली है फिलहाल। 17 किलोमीटर्स इज इक्वल टू 17,000 मीटर्स। गूगल बता रही है 1 किलोमीटर कितने मीटर हुए। तो फिलहाल फ्यूल इन करा लिया है, इसके बाद अब आपको आगे की चीज़ दिखाते हैं कि नेपाल अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है, तो क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या चेक होता है, गाड़ी में क्या चेक होता है, लगेज क्या चेक होता है, होता कि नहीं होता है। और मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, गया था बहुत छोटे पे, गया था भाई, अरे अरे कूदो मत, बस के क्या डबल लाइन लगी है, अरे लाइन 4 किलोमीटर लंबी लाइन है क्या? भैया से पूछ लिया था क्योंकि यहाँ पे तो ट्रक ही लगे थे, 4 किलोमीटर है तो जाम में फंसेंगे, ये कॉमर्शियल व्हीकल के लिए ज़्यादा चेकिंग वगैरह होती है। तो भैया बोले रॉन्ग साइड होके निकल लो। तो मतलब कितना कुछ सामान इंडिया से नेपाल जाता है, और ये बोर्ड आ गया है सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार, आपका हार्दिक धन्यवाद करता है। तो मतलब कितना कुछ सामान इंडिया से नेपाल जाता है, और ये बोर्ड आ गया है सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार, आपका हार्दिक धन्यवाद करता है। नहीं, पीछे भी तो एक दो आ रहे हैं, निकल जाए ज़्यादा बढ़िया। तो टाइम हो गया है 7:10 Continue straight to stay on National Highway 24. सारी चीज़ बताते हैं आपको क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन कस्टम्स, और ये है इंडिया का गेट, और पकड़ो, हम लोग पहुँच गए हैं, ये बॉर्डर पे आ गए हैं भाई, ये जगह किसी की भी नहीं है, और ये हम लोग, अच्छा यहाँ पे कोविड का हेल्प डेस्क भी है, और यहाँ पे रोड ख़राब इसलिए कि लोग भगा के ना जा पाए। हाँ वो लगा लो मास्क, कोई नहीं लगा है मामा, देखो सामने, और ये आ गए हैं ऊपर, रिकॉर्ड करो इसे, ये आ गए हैं नेपाल के बॉर्डर पे।
और यहाँ पे तुमको कराना पड़ेगा, यहाँ भंसार बनवाना पड़ेगा, तो गाड़ी कहीं किनारे लगाते हैं फिर आगे के प्रोसेस बताते हैं। हाँ भाई भंसार कराना कराएंगे। हाँ तो अभी 8 बजे चालू होगा, अभी नहीं चालू, 8 बजे चालू होगा। क्या 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 प्रोसेस? RCDL। RCDL बोले तो RCDL, RC और DL चाहिए, और जितने लोग बैठे उनका क्या चाहिए? उनका कुछ नहीं, मतलब गाड़ी का बनता है कि लोगों का? गाड़ी का बनता है, लोगों का कुछ नहीं। लोगों का नहीं बनता। कितने रुपए है दिन का? दिन का सर भैया आपको 500 नेपाली है। 500 नेपाली, 200 रुपए, 200 नहीं है, 315 है इंडियन करेंसी। गाड़ी खड़ी हो सकती है अंदर, पार्किंग है करवा दी, कर दीजिए पार्किंग, कर दीजिए। घंटे का 40 रुपये लगता है, एक घंटे का 40 नेपाली लगता है। नहीं तो क्या जल्दी नहीं होगा क्या? 8 बजे खुलेगा, आज भी खुलता है तो 8 बजे खुलेगा, 10-15 मिनट बाद ऑफिसर बैठेंगे तब उसका काम चलेगा। तो ये सामने पार्किंग है, मतलब जब तक वेट कर सकते हैं, जब तक भंसार नहीं बनता है, तो चेतने लगाने जा रहे पार्किंग।